यूक्रेन के मारियोपोल शहर में जहां आर पार की जंग इस वक्त है। मारियोपोल पर 24 घंटे में 22 बार हुई है रूसी बमबारी। रूस ने मारियोपोल पर गिराए हैं 100 से ज्यादा बम। एरियल व्यू इस वक्त आप देख रहे हैं, आसमान से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि मारियोपोल में किस तरह की तबाही मची है। जान बचाने के लिए बेसमेंट का सहारा ले रहे हैं मारियोपोल के लोग, बंकर्स में चिप रहे हैं, बेसमेंट में जाकर शेल्टर ले रहे हैं क्योंकि लगातार बमबारी हो रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रही हैं मारियोपोल में लगातार एक के बाद एक 100 बम दागे गए हैं। जगह जगह धुआं उठता इस वक्त आपको नजर आ रहा है और तबाही के निशान पूरे मारियोपोल में इस एरियल तस्वीरों के जरिए समझ आ रहे हैं कि कैसी तबाही मची है मारियोपोल में। 24 घंटे में 22 बार रूसी बमबारी इस शहर में हुई है और लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है अपनी जान बचाना। बेसमेंट और बाकी जगह बंकर्स में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं यहां पर लोग। तबाही देखिए तस्वीरों में मारियोपोल की। मारियोपोल में जिस तरह के हालात है, बाकी जो शहरों की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, इस वक्त काफी हिस्सा यूक्रेन का ऐसा है, काफी फीसद हिस्सा है जिस पर रशियन आर्मी कब्जा कर चुकी है। अब क्या आपको लग रहा है ये वॉर कितने दिन और खिंचने की आशंका है और किस तरह का रिटेलिएशन यूक्रेन की तरफ से देखने को मिलेगा? आलोक सर, मारता रहेगा छिप छिप के, गुरिल्ला वॉरफेयर चलेगा और काफी हानि हो सकती है रशियन फौज को वहां पे। टैंकों का नुकसान हो सकता है, जहाजों का नुकसान हो सकता है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स उसको मिलेंगे यूक्रेन को, एंटी टैंक मिसाइल्स मिल रहे हैं, तो नुकसान तो काफी होगा रूस को। सवाल ये है कि अब पुतिन की मंशा क्या है? अगर आपकी सेना वहां अंदर पहुंच गई, आपने पूरी बमबारी कर ली, आपके मौजूद आपके सेना वहां मौजूद हो गई, अब आपकी मंशा क्या है? आप क्या उसको पूरे यूक्रेन को रसा में शामिल करना चाहते हैं? मारियोपोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी आपसे समझेंगे। बड़ी खबर इस वक्त गौरव बताएंगे। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मारियोपोल में। यूक्रेन की सेना पर डबल अटैक हुआ है, रूसी सेना के साथ अलगाववादी फोर्सेस भी हमला कर रही है और ये यूक्रेन की सेना के लिए एक डबल वॉर जैसा हो चुका है। डोनबास के फाइटर यूक्रेन की आर्मी पर कर रहे हैं अटैक। ये डोनबास के जो रेबल्स हैं इनको रशिया सपोर्ट करता है, ये प्रो रशियन है और इन्होंने ही यहाँ पर सबसे पहले यूक्रेन के खिलाफ इस इलाके में जंग छेड़ी, जिसके बाद फिर रूस ने इन दो इलाकों को दो देशों की मान्यता दी और उसके बाद से रूस ने यूक्रेन में इन्वेजन शुरू किया और अब युद्ध 19वें दिन तक पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर दो तरफा हमलों से जूझती हुई यूक्रेन की सेना, एक तरफ रेबल्स हैं दूसरी तरफ रूस की आर्मी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।